इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है। पिछले 2 दिन से हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं आए। इस वक्त 23 केसेस अस्पताल में उपचाराधीन हैं और कुल मिला के 39 केसेस हुए हैं। लॉकडाउन के नॉर्म्स के मुताबिक इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होगी। माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट तब होगी अगर वे काम में लौटना चाहते हैं। एक टू व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक फोर व्हीलर में प्राइवेट गाड़ी में आगे एक आदमी और पीछे एक बैठ सकते हैं। इन नियमों का पालना करना हमारे लिए जरूरी है और मास्क पहनना अनिवार्य है। देश में इस वक्त 18,000 से ऊपर केसेस हुए और 590 डेथ हुए। मास्क पहनने से आपका ड्रॉपलेट्स आपके अंदर ही रहेगा मास्क के, और इसी तरह जो दूसरों के ड्रॉपलेट्स भी उनके मास्क के अंदर ही रहेगा, इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का संभावना कम होगी। न्यूयॉर्क में 2.5 लाख केस और 19,000 लोगों की मृत्यु होने के उपरांत मास्क कंपलसरी किया गया है, इसलिए क्यों ना हम अभी से प्रिकॉशन ले लें और इसको पहने। और पब्लिक प्लेसेस में मास्क ना पहनने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, और अगर मास्क को सही ढंग से नहीं पहने तब भी पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। इसको पालना करना हम सबका फर्ज है। एयर कंडीशनर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे वायरस फैलने का संभावना है। हवा के सामने नहीं बैठना चाहिए और कमरे में अगर इस्तेमाल करना अनिवार्य है तो सफिशियंट वेंटिलेशन रखना चाहिए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 112 नंबर, और इसमें डायल करके एक नंबर दबाने से कंट्रोल रूम कनेक्ट हो जाता है। आपकी कोई भी समस्या अगर होर्डिंग के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में हो या अन्य शिकायत हो, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं और ये 24 घंटा इसका सर्विस चला हुआ है। आपको मदद करने के लिए हम हमेशा आगे आएंगे। और कुछ सोशल मीडिया में जो मैसेजेस चला हुआ है इस तरह का कि कम्युनल जो इंस्टिगेशन हो रहा है और कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिला है, जो अस्पताल में हो या राशन शॉप्स में हो या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ट्विटर या सोशल मीडिया में किसी तरह का अगर लिखा जाता है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जो कोरोना वायरस है वो जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड और वीआईपी, कॉमन मैन किसी को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं जो केमिस्ट शॉप्स के ओनर से अनुरोध करता हूं कि जो भी खांसी या बुखार का दवाई खरीदते हैं उनका रजिस्टर में नाम, पता और फोन नंबर नोट करके रखे, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बाद में हमें इससे मदद मिल सकता है। आप हमेशा अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करिए, लॉकडाउन का नॉर्म्स का पालना करिए, और बाकी सरकार अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है कर ही रहा है। गॉड हेल्प्स दोस हू हेल्प देमसेल्व्स। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान का भरोसा है, हम लॉकडाउन का कोई नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉर्म्स या मास्क पहनने का नॉर्म्स हम नहीं पहनेंगे, ये अनुचित होगा। 14वीं शताब्दी में आपने सुना होगा कि ब्लैक डेथ हुआ है, यूरोप के आधा पॉपुलेशन खत्म हुआ था, क्योंकि प्लेग के दौरान सब लोग चर्च में इकट्ठा होके भगवान से प्रार्थना की और रिपेंट की, इस वजह से प्लेग फैल गई और ये फेमस ब्लैक डेथ उसका कॉन्सिक्वेंस था। आज विज्ञान, मेडिसिन और इंफॉर्मेशन बहुत आगे है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ निजामुद्दीन के मरकज में हुआ वो संतोषजनक नहीं है। इसी तरह जो ईरान में कोम शहर में लोग एक दरगाह में चले गए और वहां का दीवारों में किस करने लगे ताकि वो कोरोना वायरस से दूर रह सके, लेकिन इससे कोरोना वायरस वहां स्प्रेड हो गया। 85,000 केसेस हुए और 5,000 से ज्यादा लोग शिकार हुए,
दो मेंबर पार्लियामेंट भी शिकार हुए और उस दरगाह को बंद करना पड़ा। इसलिए हमारे को जो कहा गया है उसका पालना करें। एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूं कि एक गांव में फ्लड आता है और सरकार ने आदेश दिया गांव खाली करने का। एक घर में तीन लोग बैठे रहे, जब पानी लेवल बढ़ गया सरकार ने बोट भेजा, उनमें से दो लोग बोट में बैठ गए। एक आदमी ने कहा कि मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है और मैं बोट पे नहीं बैठूंगा। और पानी लेवल बढ़ गया, जब वो छत पे खड़ा हो गया तो सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा। उसने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा, मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। उनका मृत्यु होती है और दूसरे दुनिया में भगवान से पूछता है कि मैं आपसे पूर्ण भरोसा रखा कि मेरे को क्यों नहीं बचाया। भगवान ने कहा कि मैं सरकार द्वारा आपको वार्निंग दिया मकान खाली करने का, मैंने ही सरकार द्वारा आपको बोट भेजा, मैंने ही सरकार द्वारा आपको हेलीकॉप्टर भेजा और मेरी इशारा और अपना अपॉर्चुनिटी आप समझ नहीं सके और इसीलिए उसका कीमत आपको देना पड़ा। कुरान में लिखा है कि गॉड विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ पीपल अनलेस दे चेंज देमसेल्व्स। एक बार प्रोफेट मोहम्मद ने देखा एक आदमी कैमल को खुला छोड़ के जा रहा था और उसने कहा है कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि सबसे पहले ये कैमल को पेड़ पे बांधो, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। सबसे पहले हमारा फर्ज हमको निभाना चाहिए। भगवान सत्य साई बाबा ने कहा, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली, ये इनका फेमस कोटेशन है। लेकिन इतना एक्सीडेंट्स इसीलिए हो रहा, हम ट्रैफिक के तमाम जो रूल्स है उसको तोड़ते हैं। मैंने कई एक्सीडेंट्स में देखा है कि लोग कहते हैं कि साइट पर कि भगवान का दिल पत्थर है और करुणा नाम का चीज ही उनमें नहीं है, लेकिन हम सब ये बोलते हैं कि गॉड हेल्प्स दोस हेल्प देमसेल्व्स। जो स्टूडेंट्स घर में पढ़ते हैं मेहनत करना चाहिए, देन ओनली गॉड हेल्प्स देम। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क। अगर आप सोचते हैं कि भगवान को मंदिर पे थोड़ा पैसा चढ़ाने से फर्स्ट क्लास आएगा, यह आपका गलत फहमी होगी। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है IIT है या मेडिकल सीट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हार्डवर्क आवश्यक है। हमारे को जो कहा गया है वो फर्ज हम निभाए और खड़ाई से निभाए और एक एक चीज को शत प्रतिशत पालना करें, फिर भगवान हमें अपने आप मदद करेगा। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही, यू डू एवरीथिंग पॉसिबल देन गॉड विल स्टेप इन एंड विल डू एवरीथिंग विच यू कांट डू। आप अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है करें, उसके बाद भगवान आगे आएंगे और वो सब कुछ करेंगे जो आप नहीं कर सकते। इसलिए हम हर एक नॉर्म्स जो हमको कहा गया कड़ाई से इसका पालना करें और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। मैं ये बिब्लिकल मैसेज दोबारा कहना चाहता हूं, यू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल देन गॉड विल स्टेप इन एंड विल डू एवरीथिंग विच यू कांट डू। धन्यवाद। जय हिंद।